हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेबल रीड्स। आज मैं रवेदार शुद्ध घी घर की मलाई से बनाने जा रही हूँ। देखिए कैसा ट्रांसपेरेंट और शुद्ध है। तो इसको आप बनाने के लिए मेरे घर में 1.5 लीटर दूध मैं लेती हूँ, तो ये मेरी 6 दिन की 1.5 लीटर दूध की मलाई है। मतलब 2 से 3 कटोरी होती कटोरी के नाप से, तो ये 3 कटोरी है। अब इसको बनाने के लिए मैंने इसको भी फ्रिज से निकाला है। इसे बनाने के लिए मैंने पानी लिया है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो फ्रिज का ठंडा पानी लीजिए, नहीं तो सादा पानी लेंगी तो भी चलेगा। तो इसे हम सबसे पहले मिक्सर में 2 से 3 चम्मच जो है वो मलाई डालेंगे, और मलाई में दही का जामन जो है वो जब मलाई निकालती हूँ तभी डाल देती हूँ मैं। तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच जो है वो मलाई लेंगे, और फिर उसमें उसका दुगना पानी डाल देंगे, और मिक्सर वैसे इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे हाई स्पीड से, और कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको हाई स्पीड से हम लोग इसको वो करेंगे निकालेंगे। तो ये इस तरह से बनेगा। क्योंकि गर्मी है इसलिए ये पिघल गया है, जाड़े में ये पूरा सॉलिड फॉर्म में निकल आता है। तो अब इसको हम निकालेंगे। ऊपर का जो मक्खन है वो हम निकाल के एक पैन में या कढ़ाई में रख लेंगे। थोड़ा सा मठा जाएगा, जो नीचे का वाला पानी है वो मठा बन जाता है, तो वो थोड़ा पानी जाएगा, पर ठीक है, ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम इस तरह से जितना भी है हमारे पास मलाई, वो मलाई का हम 2 से 3 बार में पानी डाल डाल के, और ये वाला फिर इसी मठे को, इसी पानी को हम यूज़ करेंगे, इसी में हम दोबारा डालेंगे, और इस तरह से पूरा हम लोग मक्खन निकाल लेंगे। तो गर्मी के मारे ये थोड़ा पिघला हुआ सा लग रहा है। तो इसी तरह से मिक्सर में से निकाल कर हम पूरा मक्खन मलाई में से निकाल लेंगे, और फिर इसे गैस पे रखेंगे। इसका पानी जो है वो थोड़ा, जितना पानी अगर निकल पा रहा है उतना आप इसका मठा जो है वो निकाल लें, और इस मठे का यूज़ आप कढ़ी बनाने के लिए कर सकते हैं, नहीं तो पीने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा खट्टा तो होता नहीं है, ताज़ा होता है। मैं इसको निकाल के पहले से नहीं रखती हूँ, फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल के, और मैं इसका मक्खन बनाती हूँ और घी बना लेती हूँ। अब इसे हम गैस पर रख के और धीमी आंच पे इसको हम पकने देंगे, और इसको हिलाते रहिएगा, ताकि हिलाने से नीचे से इसको जो है वो लगता नहीं है, इसमें नीचे तली में लगेगी नहीं मलाई आपकी। तो ये मक्खन जो है इसे आप गैस पर रख के इसको हम इसे हिलाते हुए और पकाते रहेंगे। साथ ही हम हमारे दूसरे काम भी कर सकते हैं इसको रखने के बाद में, तो हमारा टाइम सेवर भी है। और इसको हिलाते हुए कम से कम 10-15 मिनट, ज़्यादा आधा घंटा करीब लग जाएगा इसको आपको घी बनाने में। तो इसे हम ऐसे हिलाते रहें, धीरे धीरे पिघल रहा है, और धीरे धीरे पिघल। आप इसको अगर नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे और जल्दी बनता है ये, मेरी तो कढ़ाई वैसी है। अब देखिए ये जब पिघल गया और पकने लगा, तो ये इस तरह से रंग होता जाएगा इसका, घी घी ऊपर आता जा रहा है, और इसे हमें चलाते रहना है ताकि नीचे इसकी तली में ना चिपके ये, और जलता भी नहीं है। तो इसको जितना ज़्यादा आप टाइम दे सकें उसको, और सिम पे ही करिएगा, ताकि इसकी सौंधी खुशबू घी की बहुत अच्छी आती है अगर सिम पे हम इसको पकाते हैं। तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, और देखिए घी इसका ऊपर आता जा रहा है और चिपक भी रहा है धीरे से, थोड़ा तली में लगता है, पर उसको अगर आप हिलाते रहेंगे तो ज़्यादा सही है। और इसे हमें थोड़ा सा गुलाबी होने तक इसको हमें गैस पे चलाना है, और गुलाबी होने के बाद हमें इसको गैस को बंद कर देना है। थोड़ा जो खरा हो जाता है, सुनहरा हो जाता है, ये देखिए अभी ये सुनहरा होने लगा है, तो हम इसे बस अब थोड़ी देर में, अब हमें आज सब इस स्टेज पे हम इसको गैस को बंद कर देंगे थोड़ी। हाँ, ये लाल हो गया, अब हम इसे बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसको हम ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर चलाते रहिएगा ताकि चिपके ना नीचे, और फिर ये लाल हो गया है, ये बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छी महक आने लगी है इसकी।
और अगर आप इसको हिलाते रहते हैं तो एक थोड़ा रवेदार भी घी बनता है, इसलिए भी इसको चलाना है, अदरवाइज़ वो एक जगह पर पूरा उसका, देखिए ये हो गया। अब इसको ठंडा होने दिया, थोड़ा सा हल्का ठंडा होने के बाद ये घी ऊपर आ गया है, अब हम इसे छान लेंगे और जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बॉटल में भर लेंगे या डब्बे में भर के रख लेंगे। अब इसे ऊपर ऊपर जितना घी है सभी पूरा छान लेंगे और ऊपर ऊपर इसकी ये जो, इसको हम लोग बेरी बोलते हैं, तो ये बेरी भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसको आप चीनी डाल के खाएं, पिसी चीनी डाल के खाएं, बहुत ही खोए जैसी इसका स्वाद आता है। तो ये मैंने पूरा छान लिया है, बेरी देखिए ऊपर आ गई इसकी, और इसके बाद इसको ठंडा होने देंगे पूरी तरह से, और जब ठंडा हो जाता है तो नीचे उसका रवेदार हो जाता है घी। पूरी तरह अच्छी तरह से इसको निकाल के अब ये देखिए घी बन गया। तब ये घी ठंडा हो गया है, इसे हम बॉटल में भर लेंगे। अगर आपको मेरा बनाने का, ये घी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में आप मुझे बताएं कैसा लगा आपको मेरा मेथड, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।